गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी मेरे को क्या करना है, बहुत सारा काम है आज। अभी तो लाइट आ रही है फिलहाल, तो काम ये है कि मतलब आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जाने लगी है एक तो, और दूसरी बात आज मुझे बहुत सारे काम हैं। थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है और थोड़ा सा पता है क्या, अंदर वाले रूम में, इस वाले रूम में जिसमें हम सोते हैं, बेड डला हुआ है, इसमें एसी की ठंडक नहीं आती और अब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो बाहर एसी चलता है तो अंदर तक एसी की ठंडक नहीं आती है, पंखा बिल्कुल रेंग रेंग के चलता है। तो इसलिए हमने सोचा बेड को ही बाहर शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि एसी अगर अंदर लाएंगे तो वो न्यू एसी लेना पड़ेगा, स्प्लिट एसी, जो कि हमें लग नहीं रहा लेना चाहिए क्योंकि बाहर ज़्यादा कोई बैठता भी नहीं है। तो इसलिए हम आज बाहर बेड शिफ्ट करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आगे वीडियो में और दिखाती हूँ आप सबको कि कैसा चलता है। तो गाइज फाइनली लाइट फिर से जा चुकी है, बहुत बार 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 लाइट जा रही है। तो ये जो थोड़ा बहुत आपको लाइट दिख रही है, ये बाहर की रोशनी दिख रही है जो कि हमारे गेट से डायरेक्ट सनलाइट आती है वो वाली। तो अभी चलो कर लेते हैं काम, लाइट को जाने दो। बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, मम्मी के पास। तो अभी कर लेते हैं फटाफट सारा काम, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अगर मैं नहीं दिख रही हूँ तो उसके लिए बहुत खेद है, पर मेरी आवाज़ तो सुन ही सकते हो आप लोग। आपने क्या बोला, धक्का दे दे। अच्छा लड़ाई मत करो मेरे से, ब्लॉग शूट कर रही हूं। उधर देख उधर। अच्छा दो साल में पहली बार कर रही है और उन्होंने आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा कर रहे हैं वो क्या, सिर्फ टेबल इज बैग। ये जो गोदाम फैलाया, मैंने फैलाया कर रहे हैं वो। काम इज साइलेंट, काम इज साइलेंट। ठीक है, या वो काम, या वो काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। काम इज साइलेंट। ठीक है जी, तो मैंने आपकी साइलेंट अंदर इसको दूसरा लाते हैं ना पहले। ये कहीं लिया तो पिटे। ये कपड़े कैसे छूट गए भाई, ये देखो कूड़ा आ गया इसके साथ। जीजू ने भी झाड़ू लगाई थी यहाँ पे। मैंने लगाई है, झूठ क्यों बोल रही है। तो गाइस यहाँ पे सामान बाहर आ गया है, अंदर आ गया उसका। इधर दिखा कैसे गिर रखा है, यहाँ अभी के पापू पड़े हैं। बहुत बढ़िया, एक दो ही पापू को। ये रहा गद्दा। तो गाइज हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम पलंग शिफ्ट बाहर कर रहे हैं सिर्फ। तरीके से रखी हुई थी पहले, बता रहा हूँ भाई। ये देख अभी चलो ना, अभी बता दे तेरा रेड खोलूंगा भाई। मेरा सेल फोन। नो नो नो, आओ कम कम आओ, लेट्स हेल्प मम्मा। यू वांट टू हेल्प मम्मा? आप तो कर दो पहले, जब तो वो करेगा। कोई मतलब है इस बात का, धक्का नहीं रही है ओ भाई, समझाई थी ना। लाओ दो अभी को, दो टाइम से फोड़े, अब पकड़ो ना, टूट गया ऐसे तो ही फोड़ते रहेगा। यस पापा हेल्पिंग मामा, चिपचिप कर इसके यार। ये कोई रखने की जगह है फ्रिज? अब देख यहाँ पे ना करंट आता है इधर कॉर्नर पे, मैं यहाँ काम करते करते यूं हो गया गलती से, मैं यही चिपक जाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी चिपक जाऊंगी, है ना। और फिर कैटल भी रखनी होती है इसके बोर्ड। क्या कर लो, काम कर लो, बातें कर रहे हैं हम, ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छा ब्लॉग भी बना रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं। ब्लॉग तो बनाना पड़ता है ना, ब्लॉग बना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे।
व्हाट इज दिस? आपके बारे में तो अच्छी है। शक है क्या कोई इसमें? है पूछ ले। शक है क्या कोई जीजू आपको? बता दो। जब आंसर नहीं होता तो यही बोला जाता है। कोई नहीं, कोई नहीं होता है। मैं नहीं बोलती तो सही रहता, फिर एक लाइन और बोलते। अच्छा इसकी कोई नहीं सुनता। अरे क्या उल्टा बोल रही है ना? आप दबाओगे उसे? बंद कर दूंगा मैं, डब्बा तो पैक कर दूंगा इसका। रोटी बनाने का उसकी बाकी आप कर जाते हो? है तो सुबह निकल जाते हो 9 बजे? दो साल का जब हो जाएगा तब मैं लेने ले चला जाऊंगा बच्चा। भैया पापा ऑफिस जाते तो फिर कैसे जाता पापा को दे? ओके 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 वेट, 2 मिनट के लिए ले लो इसे। आपके पास ही आना चाहता है, आ जाओ घर पे दिख रहे हो। आओ और मेरा बच्चा आओ आओ। बच्चे कैसे होते हैं जब माँ पूरे दिन बिस्तर रहे, पूरी रात जागती है बच्चे के, लेकिन जाना पापा के पास है। घोसला सब जा दिया। अरे मारा कितना ये सारे बाल लेगा अपने हाथ में। नहीं तेरा और रिया का तुम्हें नहीं तो कुछ ज्यादा ही करता है भाई। सो गाइज हमने अब थोड़ा स्टार्ट कर दिया है काम और हम जाएंगे इसके बाद फोटो शूट करवाने अभी का, तो हम वो भी शूट करेंगे मे बी और फॉर श्योर। हंस क्या रहे हो? ये पता है आपको पियानो सिखा रही थी इसको? बता दिया मैंने जीजू को पियानो। और जीजू वहाँ पे ना वो हम वैसे तो म्यूजिक सीख नहीं रहे थे हम, मैं उसको कार्ड्स दिखा रही थी तो उसमें से बता रहा था। फोन में कुछ नहीं दिखाना इसको? तो कुछ है यहाँ पे हमारे पास? फोन में कुछ दिखाना नहीं है चाहे कुछ है या नहीं है। हमने इसको फोन में कुछ नहीं दिखाया है। आगे से ही प्रिया दिखाए कुछ तो इसको यहाँ से निकाल दियो। ये लो ठंडा पानी फ्रिज का। एक मिनट यार, एक मिनट पसीने में। अभी याद आ रहा है आपको जब से हम बोल रहे थे तेज नहीं पी रही, पी के कह रही थी जो नहीं पी रही। ऐसा लग रहा है किसका घर है ये। तो गाइस अभी मैं फिलहाल टेम्पररी कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत रो रहा है, उसको बेड पे जाना है। मतलब वैसे वो बेड पे नहीं जाना चाहता लेकिन आज उसे बेड पे जाना है तो इसलिए मैं टेम्पररी जुगाड़ कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं प्रॉपर बाद में करूँगी। देख झाड़ू मार रहा है, ध्यान मुझके मारे जा रही है। क्या कर रहे हो? जो तुम नहीं करते ना एक एक साल तक वो कर रहे हो। ढूंढ रहे हो ना कि 5 रुपए मिल जाए कम से कम। अच्छा हम एक एक साल तक झाड़ू भी मारते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ रह रहे हैं। हाँ मजबूरी है, बंद किया शादी है तो कुछ बुड़ी और खेल थोड़ी ना। अरे जीजू इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं कि 5 रुपए तो कम से कम मिल जाए, टॉर्च जला जला के झाड़ू लगा रहे हैं। कोई बोल क्या लाना है? दरिया ले आऊं? क्या है झाड़ू तो आपके हाथ में है? हाँ तुम जैसी झगड़ तेरी। नहीं जी आओ इधर, मुझे सामान में कुछ जगह। एक्साइटेड फेस चलो कुछ रह जाए तो फिर रखूंगी। कम
wipe your eyes. Wipe your eyes. Come. प्लीज अभी साइड प्लीज अभी गद्दा लेके आएंगे गद्दा खेलने के लिए ओके मम्मा मम्मा फोल्ड इट प्लीज ऐसे नहीं बेड ऐसे ऐसे लगाएंगे और फिर पता है क्या करती मैं तो फिर दीवारों फेंक देती तो यार एक बात बता रही है इसका रियल इसका सिर्फ यही मोटिव होता है कि ये आदमी दीवार में चिपका रहे रिया दूसरी साइड में रिया एक बात बता मेरे को इसका दूध बनाना होता है सारी रात इसका डायपर चाहिए टॉयलेट जाना है कभी इसको दूध चाहिए पानी चाहिए 10 चीज होती है मैं दीवार से उठ के जाऊँ ये बंदा अकेला दीवार पे सो सकता है खाली सोना रिया एक बात बता जब हमारे पास ये वाला ऑप्शन था तो इसने क्यों कोशिश करी कि ये बेड ऐसे लगे क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये साइड हो जाएगा जैसे देख अभी वहाँ हॉल में खेलता है वहाँ से आएगा इसको टकराने का डर नहीं है क्या तो रिया यहाँ तो वो भी लग जाएंगे वो लगवा लेना फिर पक्का वो तो ठीक है तूने ये क्यों चाहा कि बेड ऐसे लगे ताकि ये दीवार की तरफ जाए इसीलिए चाहा था मैंने चला लो कुछ क्या पता लगा रिया मैं जब साफ साफ ये कही ना मैंने कहा मैं ऐसे ही करूंगा वरना मैं घर में सोऊंगा नहीं तो जाके ये मारिए नहीं वैसे बुरा नहीं लग रहा इतना ठीक लग रहा है अबे पीछे पीछे होनी चाहिए हाँ ये वो साइड में हो जाएगी पर यहाँ पे ये वाली फोटो चेंज करना तो जो तुम करवाओगे ना लेकिन अभी यहाँ पे फोटो कुछ नहीं आएगी क्योंकि मच्छर नहीं टंगेगी ना तो ये भगवान जी की फोटो इनके ऊपर थोड़ी लगा सकते हैं तो अभी फिलहाल हमने ये एक कंबल इधर लगा दिया है इसके नीचे हमने एक तकिए लगा दिया ताकि गिरे ना और एक कंबल वहाँ लगा दिया है सारे पिलोज और इसके टॉयज यहाँ लगा दिए ताकि इसको लगे ना और यहाँ पे ना मैंने ये रख दिया है मतलब अजय से रखवा दिया है ये टेडी बेयर इतना बड़ा वाला ताकि ये गिरे अगर तो इसको चोट ना लगे वैसे दीवार का भी डर है वैसे हमें और उधर की साइड रीमा को बिठा दिया है अब हम बाकी का काम करने वाले हैं इधर का ये संदूक जो है हम अंदर पहुँचाने वाले हैं और बाकी का चुटर पुटर मतलब ये पूरा रूम हम खाली कर देंगे सिर्फ सोफ़ा रखेंगे इधर वो पीछे जो टेबल है वो भी हम अंदर वाले रूम में डालेंगे और ये वाली टेबल मैं सोच रही हूँ कि इस बार यहीं रहने देते हैं क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है तो इसको टेबल पर बैठ के खिलाना सिखाना है हमें तो इस वजह से ये टेबल इधर रहने देंगे और ये इस पर रीमा सोती है गद्दा तो इसको भी हम अंदर रखेंगे टेम्परेरीली ये रात में ले आया करेगी और चलो अब हम करते हैं वापस से सफाई ये लोग इसको खाली कर रहे हैं उसके बाद हम करेंगे और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये जो फ्रिज यहाँ रखा है ये नहीं होना चाहिए यहाँ क्योंकि आधी से ज़्यादा किचन भरी गई है इसकी वजह से और लाइट नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा खेद है